चाहते आने वाले 5 साल जैसे देवजी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने बिगाड़े ऐसे बिगाड़ेंगे नहीं, मगर हमेशा एक सफल आपका लोक सेवक बन के रहेगा, इसका मुझे भरोसा है। भाई रतन देवासी की जीत इस इलाके को विकास करेगी। यहाँ के 36 कौम का प्रतिनिधि बनकर वो जब इस देश की महापंचायत लोकसभा में जाएगा तब इस इलाके में जैसे पूर्व में बुट्टा सिंह जी यहाँ से प्रतिनिधि थे और पूरा इलाके का विकास काम हुआ था, इसी प्रकार भाई रतन देवासी आपका सफल प्रतिनिधि बन के रहेगा, उसे मुझे पूरा विश्वास है। आप पूर्ण बहुमत से इनको चुन के भेजो। इस देश में से भारतीय जनता पार्टी का शासन जाने वाला है। यूपी में सीटें कम होने वाली है, बिहार में कम होगी, आपके राजस्थान में भी जो सीटें हैं उन सीटों में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के होगी, गुजरात में भी हालत है। देश के चारों ओर कोने से बीजेपी का झांका रहा है और कांग्रेस का शासन बनने वाला है। इस कांग्रेस के शासन को बनाने के लिए हाथ के पंजे को निशान पे आप बटन दबाए, वही मेरी आपसे अपील है। इस देश का कामदारों का पंजा है, इस देश के किसानों का पंजा है, इस देश के नवयुवाओं का पंजा है, इस देश के लोगों को खुश करने के लिए और सुखी रखने के लिए कांग्रेस के हाथ में शासन दो, वही मेरी आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद सागर रायका जी। अब जिनके लिए पलक पांवड़े बिछा करके सिरोही और जालौर की जनता यहां पर उपस्थित है, कांग्रेस जन उपस्थित है, आदरणीय राहुल गांधी जी चंद ही मिनटों में हमारे बीच में आने वाले हैं। वो हेलीकॉप्टर से हमारे बीच में आ चुके हैं। मंच पर आने से पहले यही कहना चाहूंगा कि राहुल जी ने जो समय दिया है, यहां जालौर और सिरोही के तमाम उपस्थित साथियों की ओर से, यहां निवासियों की ओर से, बंधुओं की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन जालौर और सिरोही की धरती पर मैं करना चाहूंगा मंच के माध्यम से कांग्रेस जन की ओर से। राहुल जी हमारे बीच में हैं और जिस प्रकार से पूरे देश में एक कमान उन्होंने संभाल रखी है, यहां इसमें कोई दोराय नहीं कि उनके आगमन के पश्चात निश्चित रूप से हम विजय को प्राप्त करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी साहब हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ में। राहुल गांधी जी का जालौर की धरती पर आप सभी शानदार स्वागत करिए। आप विराजिए सभी लोग, हम सभी इस जालौर की धरती और आपेश्वर महादेव मंदिर की इस पावन धरा पर राहुल गांधी जी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय हमारे प्रत्याशी रतन देवासी जी का साफा पहनाकर राहुल जी का स्वागत करें। रतन देवासी जी साफा पहना के राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। आप शानदार तालियां बजा के स्वागत करें। दुपट्टा और माला आदरणीय सुखराम जी विश्नोई ओबाजी सुखराम जी विश्नोई को आग्रह करूंगा मंत्री जी को। अब आदरणीय गहलोत साहब का साफा पहना के स्वागत करेंगे पूर्व एमपी पारसाराम जी मेघवाल। पारसाराम जी आप विराजे राहुल सर। सचिन जी का साफा पहना के स्वागत करेंगे संयम लोढ़ा जी। अच्छा अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सचिन पायलट साहब से कि आपको संबोधित कराएं। मैं राहुल जी की इजाजत से एक मिनट के लिए हमारे प्रत्याशी रतन देवासी जी को आग्रह करूंगा कि स्वागत भाषण दें। सम्मानीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी, मंच पर उपस्थित तमाम कांग्रेस के नेतागण,
और यहां आप आए हुए जालोर सिरोही के समस्त आप आमजन, आप सबको मेरा हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, आप लोगों को ध्यान है कि 29 तारीख सोमवार को जालोर सिरोही का अगला एमपी चुनने के लिए वोट पड़ेगा और समस्त लोग, आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए ये निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 15 साल से ये सीट बीजेपी के पास में है, पिछले 10 साल से एक व्यक्ति ऐसा एमपी है यहां, और 15 साल से ये सीट और 10 साल से एक व्यक्ति एमपी बना हुआ है। मैंने हर गांव में जाके पूछा, अभी तक मैं 400 गांव में गया हूं दौरों में, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि हमने 10 साल में हमारे एमपी को यहां देखा है। कोई गांव ऐसा नहीं है जो कहता है कि उसका एमपी कोटे का बजट उस गांव में मिला हो। कोई गांव ऐसा नहीं है जो कहता है कि एक दिन हमारे बीच में आए, और तो और एमपी कोटे का जो 10 साल में 50 करोड़ रुपए बना होगा उसमें से 50% पैसा खर्च नहीं किया, आपका पैसा ऐसा का ऐसा पड़ा रहा, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, मैं आपको अंत में यही निवेदन करता हूं कि आप लोग मिलकर मेहनत करें, हमेशा आपके बीच में रहे, हमेशा आपके बीच में रहा हूं, आगे भी रहूंगा, दिन रात यही काम हुआ, चुनाव जीते या हारे आपके बीच आना जाना कभी नहीं छोड़ा, इसलिए आपका ये प्यार और समर्थन मिलता है। हम लोग मिलकर कांग्रेस को जिताएंगे और राजस्थान की सरकार के नेतृत्व में जालोर सिरोही का विकास करेंगे और प्रवासी भाइयों को ट्रेन भी लाएंगे। ये सब मैं आपको निवेदन करता हूं। अंत में आप मेरे साथ में नारा लगाएंगे, राहुल गांधी, थोड़ा जोर थी को यार जालोर सिरोही लोगों, राहुल गांधी, राहुल गांधी। धन्यवाद। आदरणीय पायलट साहब को अनुरोध करूंगा कि आपको संबोधित करें, जोरदार ताली बजा के स्वागत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, आप सबके, हम सबके नौजवान उम्मीदवार इस लोकसभा क्षेत्र से रतन देवासी जी, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय समरजीत सिंह जी, भाटी साहब, सागर रायका भाई, विवेक बंसल जी, संयम लोढ़ा साहब, सुखराम बिश्नोई जी, पारसाराम जी, नीरज दांगी साहब, हमारे जिलाध्यक्ष मेघवाल जी, मनचासीन सभी नेतागण, आदरणीय दोस्तों, किसान भाइयों, माताओं बहनों, लोकसभा के चुनाव राजस्थान सहित पूरे देश में हो रहे हैं, पूरे देश में आज बदलाव की हवा है। मोदी साहब की सरकार ने 5 साल तक लगातार सिर्फ प्रचार किया, भाषण दिया, जुमले दिए, झूठ बोला, एक भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात बोली, करोड़ों रोजगार पैदा करने की बात करी, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, और सबसे महत्वपूर्ण, इस देश में ऐसा माहौल पैदा किया कि आज तनाव है, घृणा है, टकराव एक दूसरे के पीछे पैदा किया। ये सब होते हुए भी 5 साल पूरे होने के बाद अपनी रिपोर्ट कार्ड देने से कतराते हैं और फिर वही घिसी पिटी बात कर धर्म और जाति की बात कर लोगों की वोट लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछो कि आज इतनी बेरोजगारी क्यों है, आज देश में किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, तो जवाब यह आता है कि आप देश विरोधी हो, राष्ट्र विरोधी हो। राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने की बजाय केंद्र की सरकार को चाहिए कि इन 5 सालों में आपने कितना निवेश किया, कितनी रेल चलाई, कितने हवाई अड्डे खोले, कितनी यूनिवर्सिटियां खोली, इस पर कोई जवाब नहीं आता। आज देश में महंगाई आसमान छू रही है, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का है, पेट्रोल डीजल 70-80 रुपए लीटर पहुंच गया, लेकिन जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। ये चुनाव इस देश की रोजी रोटी का चुनाव है, नौजवानों के भविष्य का चुनाव है। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार खोखला करने का काम जो केंद्र की सरकार कर रही है, उसके विरोध में खड़े होकर राजस्थान की तमाम सीटों पर आप कांग्रेस पार्टी को जिताएं। आज रतन देवासी साहब हमारे बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, आप सबके भरोसे पर राहुल गांधी जी ने और हम सब ने मिलकर रतन देवासी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। यहां के सांसद के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो, पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ या नहीं हुआ। आज प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगने की बात करते हैं और 10 साल में दिखाने को कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी ने आज जो मुहिम छेड़ी है, पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, और एक ऐसी सरकार जो तमाम संस्थाओं को लगातार खत्म करने की कोशिश कर रही है, उनका जवाब मोदी साहब दे नहीं पा रहे। जवाब देने का आपको मौका मिलेगा। ये हाथ का निशान कांग्रेस की पहचान है, इस पर बटन दबाकर जोरदार जीत यहां से कराइए,
रतन देवासी को दिल्ली भेजिए, आपका वकील बनकर आपकी वकालत करेगा और प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जालौर सिरोही में कोई कमी नहीं आने देंगे, कोई पैसे की कमी नहीं आने देंगे। जालौर के लोग, सिरोही के लोग जितना विकास मांगेंगे उससे ज्यादा विकास हमारी सरकार कराएगी। मैं इस पावन अवसर पर एक बार पुनः आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग रतन देवासी को जिताकर दिल्ली भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। मैं आमंत्रित करूंगा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब को आपको संबोधित करा। हमारे सबके नेता कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी, डिप्टी सीएम साहब, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार रतन देवासी जी, एआईसीसी के सेक्रेटरी प्रभारी विवेक बंसल जी, सम्मानित मंच, समय बहुत कम है और राहुल जी को आगे और मीटिंग में जाना है, अभी राहुल जी का आप सुनेंगे। और मैं थोड़े दिन पहले ही आया था जालौर के अंदर, इसी ढंग का सैलाब उमड़ पड़ा था। ये इस बात का प्रतीक है, इस बार जालौर सिरोही की जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस को कामयाब करने का। हम सबकी सलाह से भाई रतन देवासी को राहुल गांधी जी ने कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है। आपके विश्वास के आधार पर इस बार आप भारी बहुमत से इनको कामयाब करेंगे। रतन देवासी एक नौजवान है, चुनाव जीतने के बाद आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में साथी बनेंगे, विकास में भागीदार बनेंगे। जालौर की अपनी समस्या कई तरह की है, पानी की है, सिंचाई की तो है ही है, पीने का पानी की हम लोगों ने बहुत योजना बनाई, नई गवर्नमेंट आई काम ठप कर दिया, हमने अच्छा मुआवजा दिलाया किसानों को, जो राहुल गांधी जी चाहते हमेशा किसानों का विशेष ध्यान रखते हैं। राहुल जी, हमने भी सबसे बढ़ करके मुआवजा दिलाया, जालौर तक पाइपों ने पानी पीने का कैसे पहुंचे। आपके यहाँ पर रेलगाड़ी चलती नहीं, जालौर के अंदर एक गाड़ी चलती खाली, बाकी मालगाड़ी चलती है, रेलवे की फाटकें बंद पड़ी रहती है। हम चाहेंगे कि वो काम भी रतन देवासी आपकी आवाज भी उठाएंगे पार्लियामेंट में, अधिक से अधिक ट्रेनें चले, जहाँ रेलवे फाटकें बंद होती है वहाँ और भी बने, पीने के पानी पहुँचे, कोई कमी आपके जालौर में नहीं आएगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और मैं बैठा हूँ जयपुर में, राहुल जी ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है आपकी, आप मान के चलें, राहुल जी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है पूरे देश के लिए, ये पहली बार हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाली मन की बात थोपते थे, राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, हम देशवासियों की मन की बात सुनेंगे, वो क्या चाहते हैं सरकार से, महिलाएं क्या चाहती है, किसान क्या चाहता है, मजदूर क्या चाहता है, व्यापारी क्या चाहता है, कुली क्या चाहता है, हर वर्ग का आदमी क्या चाहता है, उसके आधार पर मैनिफेस्टो बनेगा। और इतिहास रच दिया हमारे मैनिफेस्टो ने, एक तरफ अभी राहुल जी बताएंगे आपको न्याय योजना, गरीबों के खाते में, गरीबों के घर की महिला के खाते में 6,000 रुपये प्रतिमा आएंगे, लगातार आएंगे, ये बड़ा फैसला किया है। गरीबी दूर कैसे हो, पैसा पंप करना पड़ता है गरीबों के जेब के अंदर, वो खर्च करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ये छोड़ के किया गया। लोग समझते नहीं है, वो अफवाह फैलाते हैं विपक्ष वाले, हमें अफवाह में नहीं आना है, नंबर एक। नंबर दो, किसान बजट आजादी के बाद पहली बार किसानों की 50 तक की समस्याएं होती है, कैसे उनकी आमदनी दुगनी हो, कहना बड़ा आसान है, कर नहीं रहे मोदी जी, 5 साल बिता दिए। हम चाहते हैं जितनी किसानों की समस्याएं हैं, पानी की हो, कुओं की हो, खाद की, बीज की, दवाइयों की, फसल बिकने की, अच्छे मूल्य मिलने की, तमाम समस्याओं के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस हो, तमाम एमपी बहस करे, बजट पास हो, उसके बाद देखेंगे आप किस तेज गति से किसानों की समस्याएं हल होती है और किसान खुशहाल होता देश का
देश का किसान खुशहाल होगा तब जाके देश खुशहाल होगा। देश हमारे देश की, किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की धुरी बनी हुई है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी यही कहते हैं, वादा करो मत करो तो निभाओ, ये उनका वाक्य है सबके लिए, हम सबके लिए। उसी रूप में हमने देखा हमारी गवर्नमेंट बनी, राहुल जी ने कहा किसानों का कर्ज माफ होने चाहिए, हमने 10 दिन की बजाय 2-3 दिन में कर्ज माफ कर दिए, हमने कोऑपरेटिव बैंक कर्ज माफ कर दिए, भूमि विकास बैंक के कर्ज माफ कर दिए, और राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनके लिए हमने वादा किया था एनपीए होगा उनका 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे। चुनाव आगे रुके थे, चुनाव खत्म होते ही पहला काम वो करेंगे, वो कर्ज माफ करेंगे, मैं कहना चाहता हूं। इस प्रकार से हमने 5 साल बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी, 1 लाख कनेक्शन जारी कर दिए हम लोगों ने, काम चल रहा है किसानों के लिए। इस प्रकार से 21 फैसले हमने लिए हैं जो आपकी जानकारी के अंदर, 1 रुपये किलो गेहूं मिलेगा गरीबों को, वो फैसला भी हमने ले लिया है। इस प्रकार से दवाइयां जो है 600 दवाई पहले देते थे, हमने कहा दवाइयां 3 बहुत महंगी होती, कैंसर की, हार्ट की और किडनी की, सरकार बनते हमने आदेश किए हैं 3 दवाइयां फ्री मिलेगी 8 के बाद में, सरकार बनने के बाद में ये हमने फैसला कर लिया। इस प्रकार से एक के बाद एक कई फैसले किए हैं, अभी वक्त नहीं कि मैं उन फैसलों के बारे में आपको विस्तार से बताऊं, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कृपा करके आप लोग इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण समझें। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव आपका एक वोट बहुत कीमती होता है, उसकी रक्षा का चुनाव है, ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का है, ये चुनाव देश को बचाने का है। लफाजी करना एक बात है, गुमराह करना एक बात है। अभी मोदी जी जोधपुर आए थे, मेरे बारे में क्या क्या कह गए आपने पढ़ा होगा, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुकूल नहीं होता है। मुख्यमंत्री कोई पार्टी का हो, वो चुनाव होता है, उसकी गरिमा मान सम्मान की रक्षा करना का काम प्रधानमंत्री का भी होता है। प्रधानमंत्री जिस प्रकार से पाकिस्तान को लेकर मेरे पर आरोप लगाए, प्रधानमंत्री जिस प्रकार से कहा कि राजस्थान सरकार में कॉपरेटिव करी है, हम राजस्थान सरकार को बदल करना चाहते हैं, किसानों को सरकार रोक रही है, ये झूठ बोल के असत्य बोल के कब तक राज कर सकते हो? जाने का समय आ गया है, अच्छे दिन आए नहीं थे, अब मोदी जी जाएंगे तब अच्छे दिन आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा परम सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को संबोधित कराएं आप। अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, कांग्रेस के प्यारे कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप हमारी बात सुनने, हमारी मदद करने आए, इसके लिए दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पांच साल से नरेंद्र मोदी जी सरकार में हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं। आप सबसे कहा 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, आपको मिला 15 लाख? कोई है यहां जिसको नरेंद्र मोदी जी ने बैंक अकाउंट, अच्छा कहते हैं बैंक अकाउंट खोल दिया, कहते हैं बैंक अकाउंट खोल दिया, 15 लाख रुपए अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। 5 साल से आप बात सुनते ही रह रहे हो। 5 महीने पहले मैंने सोचा कि ये जो चौकीदार जी हैं, इन्होंने 15 लाख रुपए का झूठ बोला, इनको मैं सच्चाई, मैं चौकीदार को सच्चाई दिखाऊं। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को बुलाया, उनसे एक सवाल पूछा, कहा देखिए नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए का झूठ बोला, मुझे आप सच्चाई बताइए। मैं अगर राजस्थान के
हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहूं, सिर्फ राजस्थान नहीं पूरे देश के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहूं, तो बिना अर्थव्यवस्था को नुकसान किए कितना पैसा डाला जा सकता है? नरेंद्र मोदी ने कहा 15 लाख, झूठ है, आप मुझे सच्चाई बताओ। और उनसे मैंने कहा, देखिए मैं आपसे लंबा भाषण नहीं सुनना चाहता, मैं नंबर चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने झूठा नंबर दिया, मैं सच्चा नंबर चाहता हूं। कितने रुपए मैं हिंदुस्तान की गरीब जनता के बैंक अकाउंट में डाल सकता हूं? समय लीजिए, 5 महीने हैं, सरकार मई में बनेगी, समय लीजिए, पूरा चेक करके दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से पूछ के मेरे पास आइए। कुछ दिन पहले चिदंबरम जी मेरे पास आए, कागज पे उन्होंने एक नंबर लिख दिया। मैंने पूछा ये क्या है? कहते हैं आपने कहा था कितने रुपए हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, ये आपका जवाब है 72,000 रुपए। मैंने कहा ठहरिए, 72,000 कितने लोगों को, 72,000 कितने समय में? कहते हैं राहुल जी 72,000 रुपए 25 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ परिवारों को, और 72,000 रुपए एक साल में, 5 साल के अंदर 360,000 रुपए हिंदुस्तान की सरकार बिना अर्थव्यवस्था को नुकसान किए दे सकती है। मैंने पूछा बताइए इतना पैसा, लाखों करोड़ रुपए है, मैंने पूछा इतना पैसा अगर हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देंगे तो क्या हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होगा? कहते हैं राहुल जी हमने कैलकुलेशन करा है, नुकसान छोड़िए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। मैंने पूछा बताइए कैसे? कहते हैं देखिए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। नरेंद्र मोदी ने 2 झटके मारे। पहला झटका कुल्हाड़ी लेकर नोटबंदी की, और दूसरा झटका दूसरे पैर पर गब्बर सिंह टैक्स, दूसरी कुल्हाड़ी फटाक से मारी। अब जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ये 2 कुल्हाड़ियां मारी, जो हमारे छोटे दुकानदार थे, किसान थे, मजदूर थे, छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग थे, बेरोजगार युवा थे, उनके जेब में से एकदम नरेंद्र मोदी जी ने पैसा छीना। देखिए नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स गरीबों से पैसा छीनने का तरीका है। उन्होंने पैसा छीना, जैसे ही उन्होंने आपके जेब में से पैसा निकाला, आपने माल खरीदना बंद किया, पैसा ही नहीं था, चीजें कहां से खरीदेंगे? पैंट शर्ट साबुन टूथपेस्ट जो भी आप पहले खरीदते थे वो आप नहीं खरीद पाए, कम खरीदा। जैसे ही आपने कम खरीदा हिंदुस्तान के दुकानदारों को नुकसान हुआ, जैसे ही आपने कम खरीदा हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, और जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों के मालिकों ने हिंदुस्तान के युवाओं को बुलाया, कहा भैया अब आपकी यहां कोई जरूरत नहीं है, वापस जाइए, चलिए वापस जाइए, यहां पे तो कुछ बनाना ही नहीं है, फैक्ट्री को कोई जरूरत नहीं है, वहां पे तो कोई खरीद नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स किया, पूरा का पूरा बट्टा बैठ गया। तो न्याय योजना जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, आपके जेब में से पैसा निकाला, अब न्याय योजना सीधा डायरेक्ट
आप ही के बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए डालेगी। जैसे ही वो पैसा 25 करोड़ लोगों के हाथ में आएगा, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में जाएगा, किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा, वैसे ही आप उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, आप चीजें खरीदना शुरू करेंगे। जैसे ही आप चीजें खरीदना शुरू करोगे, दुकानदार बेचना शुरू करेंगे, जैसे ही डिमांड बनेगा फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। फैक्ट्रियां चालू होंगी, फैक्ट्री मालिक कहेंगे भैया उन्हीं युवाओं को पकड़ के लाओ जिनको हमने फैक्ट्री से निकाला था, उनको बुलाओ, रोजगार की जरूरत है, फैक्ट्री चालू करनी है, और लाखों युवाओं को राजस्थान में बाकी प्रदेशों में लाखों युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाए। तो बताया कि न्याय योजना 72,000 रुपए 5 करोड़ बैंक अकाउंट में सिर्फ गरीबों को नहीं मदद करेगा, हिंदुस्तान के गरीबों को मदद करेगा, किसानों को मजदूरों को, मगर छोटे दुकानदारों को मदद करेगा, छोटे बिजनेस चलाने वालों को मदद करेगा, फैक्ट्री वालों को मदद करेगा, और जो बेरोजगार युवा हैं उनको सबसे ज्यादा मदद करेगा। हमने इसको न्याय योजना नाम दिया। मुझसे पूछा गया भैया इसको क्या नाम देना चाहिए, पहले हम नाम देते थे महात्मा गांधी मनरेगा, भोजन का अधिकार। मैंने कहा नहीं, इस बार इस योजना को न्याय योजना नाम देना है, क्योंकि पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने, चौकीदार ने, हिंदुस्तान के सब लोगों के साथ अन्याय किया है, और अगले 5 साल में हमें दिखाना है कि हम अन्याय को बदल के, हम बदला नहीं लेते, तो मैं बदले की भावना से नहीं बोल रहा हूं, मगर जो आपसे छीना गया है 5 साल, जो आपसे छीना गया है उन लोगों को दिया गया है। किन लोगों को, मैं बताता हूं, देखिए अनिल अंबानी, मेहुल, नीरव, ललित, ये 15 लोग हैं भाई और बहनों, 15 हैं, 15 लोगों ने 5,55,000 रुपया हिंदुस्तान के बैंक से छीना, कर्ज लिया और वापस नहीं देते हैं, और नरेंद्र मोदी जी इनकी रक्षा करते हैं। 5,55,000 करोड़ रुपए कर्जा इनका माफ किया नरेंद्र मोदी ने, 5,55,000 करोड़ रुपए, 45,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को कर्ज दिया, 33,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी, 33,000 करोड़ रुपए मेहुल चौकसी, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए। यहां अभी मुझे बता रहे थे आप, अभी बताया कि पानी के लिए 1,500 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने दिलवाए थे, पानी की योजना के लिए, सिंचाई की योजना के लिए, नर्मदा का पानी, आपको 1,500 करोड़ रुपए नहीं दे पाए। आप अपने आप से सवाल पूछो, आपके पानी के लिए 1,500 रुपए नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया, नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए दिया। ऐसे 20 डिस्ट्रिक्ट का काम किया जा सकता था, 20 एक छोड़िए, मगर नहीं, किसान की मदद नहीं की जाएगी, बेरोजगार युवा की मदद नहीं की जाएगी, माताओं बहनों की मदद नहीं की जाएगी, अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी की मदद की जाएगी। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, क्या जरूरत है ऐसे हिंदुस्तान की, सबको न्याय मिलना चाहिए। दूसरा उदाहरण देता हूं, इस जिले से बहुत सारे लोग बाकी हिंदुस्तान में काम करते हैं, नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, भाइयों और बहनों बुलेट ट्रेन के लिए नरेंद्र मोदी ने 1,00,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है, 1,00,000 करोड़ रुपए। उस बुलेट ट्रेन में कितने लोग चलेंगे,
500 लोग चलेंगे, 1000 लोग चलेंगे, 1,00,000 करोड़ रुपए एक ट्रेन के लिए, और आपकी ट्रेन के लिए 80 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे देश को बताना भैया मैं बुलेट ट्रेन बना रहा हूं, बुलेट ट्रेन बना रहा हूं, बुलेट ट्रेन बना रहा हूं, और वो कभी बनेगी भी नहीं। तो आपको वायदे करते हैं, जहां भी आते हैं वायदे करते हैं, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, किसानों का कर्जा माफ, और काम करते हैं उनका। देखिए नया नारा चला है, पहले अच्छे दिन आएंगे अब चौकीदार। ये देखिए कहीं भी आप हिंदुस्तान में चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहीं भी जाइए, किसी भी चौराहे पे चले जाइए, और बस ये सब बोलिए चौकीदार, जवाब मिलेगा चोर है। भाइयों और बहनों, मैंने लोकसभा में भाषण दिया, राफेल मामले पे मैंने भाषण दिया, मैंने 4 सवाल पूछे। मोदी जी मुझे 4 चीजें बता दीजिए, क्या बताऊं? पहली चीज, आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए एयरफोर्स का पैसा क्यों दिया? दूसरी चीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल सरकारी कंपनी है, उससे आपने राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट क्यों छीना? तीसरी चीज, 526 करोड़ का हवाई जहाज आपने 1600 करोड़ में क्यों खरीदा? चौथी चीज, हिंदुस्तान में हवाई जहाज बनना था, आपने फ्रांस में क्यों बनवाया? भाई और बहनों, डेढ़ घंटे नरेंद्र मोदी जी ने भाषण किया, 1.5 घंटे। कभी कांग्रेस को गाली दी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सबका नाम ले लिया, मगर 4 सवालों का जवाब नहीं दे पाए। और भाषण देते वक्त कभी नीचे देखें, कभी साइड देखें, कभी ऊपर देखें, कभी यूं करें, कभी यूं करें, आंख में आंख नहीं मिला पाए, क्योंकि चौकीदार ने चोरी की है, 30,000 करोड़ रुपए सीधा आपका लूटा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, छोटे दुकानदारों के लिए क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स, 28% टैक्स कौन देता है? ये क्या आप सोचते हो अनिल अंबानी जीएसटी देता है? नहीं, आप लोग देते हो, 28% आपकी जेब में से निकलता है, किसान देते हैं, मजदूर देते हैं। पहला काम, गब्बर सिंह टैक्स को हम जीएसटी में बदलेंगे, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, सरल टैक्स होगा। दूसरी बात, युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, मैंने आज आपको समझाया न्याय योजना लाखों लोगों को फैक्ट्री में रोजगार देगी, मगर हम वहां नहीं रुकना चाहते, न्याय की बात करना चाहते हैं। अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 27,000 लोग, 24 घंटे में रोजगार खोते हैं, और 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली। एक साल के अंदर, मैं गारंटी दे रहा हूं, स्टेज से कह रहा हूं, एक साल के अंदर कांग्रेस पार्टी 22 लाख नौकरियों को भर देगी, आपको पकड़ा देगी, युवाओं को पकड़ा देगी। दूसरी बात, 10 लाख युवाओं को हिंदुस्तान की पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी पंचायतों में रोजगार देगी, राजस्थान की पंचायतों में रोजगार देगी। हम आपके पास आए, युवाओं के पास गए, मैनिफेस्टो बना रहे थे, युवाओं के पास गए, हमने उनसे पूछा, भैया बताओ, देखो मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, पूरा का पूरा फेल हो गया, आप हमें बताओ, हम हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाना चाहते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि रोजगार सिर्फ हिंदुस्तान का युवा दे सकता है, बिजनेस खोल के दे सकता है, छोटे उद्योग खड़े करके दे सकता है, आप हमें बताइए, हम आपको ब्लैंक चेक देना चाहते हैं, आप हमें बताइए क्या करा जाए। और देखिए हिंदुस्तान के युवाओं का ज्ञान देखिए, हमें कहते हैं, देखिए राहुल जी, हम बिजनेस खोलना चाहते हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं, उद्योग चालू करना चाहते हैं, मगर जब भी हम करना चाहते हैं,
पहला काम किसी भी प्रदेश में सरकारी ऑफिस से परमिशन लो, एक ऑफिस से नहीं 15-20 डिपार्टमेंट से परमिशन लो। एक डिपार्टमेंट में जाओ कहेंगे भैया परमिशन, हां ठीक है, 10-15-20 दिन वहां लगेंगे। फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ 1-2 महीने वहां लगेंगे। तीसरे डिपार्टमेंट में जाओ 1-2 महीने वहां लगेंगे। पता लगा 6-7-8 महीने हो गए, बिजनेस चालू नहीं हुआ, परमिशन लेती रही। तो हमने निर्णय ले लिया है राजस्थान के युवाओं के लिए, आपको बिजनेस खोलना है ना, आपको हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाना है ना, ठीक है, आपको बिजनेस खोलने के लिए, चालू करने के लिए किसी से, किसी सरकारी डिपार्टमेंट से, कहीं से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, खत्म, लो 3 साल के लिए आप अपना बिजनेस चालू करो, जो धंधा करना है करो। 3 साल बाद जब आपके लिए 20-30-40 लोग काम करें, 20-30 लोगों को आपने रोजगार दिया हो, युवाओं को रोजगार दिया हो, हिंदुस्तान को शक्ति दी हो, तब आप जाना सरकारी डिपार्टमेंट में, कहना भैया मैं बिजनेस चलाता हूं, 3 साल पहले खोला था, 20-30 लोग मेरे लिए काम करते हैं, जरा परमिशन देना। देखिए कांग्रेस पार्टी की सोच, देखिए न्याय, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अब चलिए किसानों की बात करते हैं। मैंने चुनाव में कहा था 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने बोला सही दाम मिलेगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, सब बोला, करा नहीं। मैं उनके ऑफिस में गया, उत्तर प्रदेश में मैंने यात्रा की, 2 करोड़ किसानों से मैंने फोन भरवाए, कहा मैं नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश के किसान का, राजस्थान के किसान का कर्जा माफ कीजिए। मैं ले गया, 2 करोड़ फॉर्म में ले गया, उनके ऑफिस में गया। मैंने उनसे कहा नरेंद्र मोदी जी एक काम कीजिए, आपने इनका 3 लाख करोड़ रुपए माफ किया है 15 लोगों का, चोरों का। मैंने सामने बोला उनको, सामने बोला मैंने उनको, पूछ लेना, आपने इन चोरों का कर्जा माफ किया है 3 लाख करोड़ रुपए, अब आप एक काम कीजिए, मैं नहीं जानता आपने इनका क्यों किया, मगर आप हिंदुस्तान का किसान का कर्जा भी माफ कर दीजिए, मोदी जी आपका फायदा होगा, मैं ऑपोजिशन का नेता हूं, आपकी मदद करने आया हूं, इनका आप कर्जा माफ कर दो, मजा आ जाएगा, किसान खुश हो जाएगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा, मजा आ जाएगा और आपको फायदा होगा, आप प्रधानमंत्री हो। नरेंद्र मोदी जी का जवाब सुनोगे? सुनोगे? देखो मैंने उनसे कहा नरेंद्र मोदी जी किसान का कर्जा माफ करो, नरेंद्र मोदी जी का जवाब सुनिए, एक शब्द नहीं निकला मुंह से, एक शब्द नहीं निकला, चुप, बिल्कुल चौकीदार, बिल्कुल चुप। कभी आपने चौकीदार की किसान के साथ फोटो देखी है? मजदूर के साथ फोटो देखिए गले मिलते हुए, अनिल अंबानी के साथ गले मिलते हुए देखिए ना, सीधी सी बात है। तो किसानों के लिए हम 2 चीजें करना चाहते हैं और दोनों ऐतिहासिक काम, ऐतिहासिक काम। और मैं आपको कहना चाहता हूं ये कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है, ये आइडिया हमारा नहीं, यह आइडिया हिंदुस्तान के किसान का है, राजस्थान के किसान का है, राजस्थान के किसान ने यह हमें आइडिया दिया, हिंदुस्तान के किसान ने हमें यह आइडिया दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पहली बात, मुझसे पूछा राहुल जी आप एक बात बताइए, किसान ने, राहुल जी आप एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने कहा बताइए क्या? कहते हैं ये अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए बैंक ने दिया, ये वापस नहीं देता, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, ये वापस नहीं देता, इसको ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, ये जेल में नहीं जाता। मगर जब किसान 20,000 रुपए का लोन लेता है, राजस्थान का किसान 20,000 रुपए का नोट का लोन लेता है, तो उसे आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं कहते, उसे आप डिफॉल्टर कहते हो, 2 डंडे मारते हो, उसे जेल में डालते हो। तो राहुल जी आप हमें यह बात समझाइए कि देश सबका है, यह अन्याय क्यों हो रहा है, यह अन्याय क्यों हो रहा है, अनिल अंबानी बाहर क्यों है, हिंदुस्तान का किसान अंदर क्यों,
आप इसके बारे में कुछ कीजिए, बड़ा अच्छा आइडिया। सच्चाई, अन्याय, अनिल अंबानी बाहर, हिंदुस्तान का राजस्थान का किसान अंदर, क्यों? तो हमने मैनिफेस्टो में एक लाइन लिखी है, छोटी सी लाइन, ऐतिहासिक लाइन, राजस्थान के किसान आप सुनिए, टीवी पे देख रहे हैं तो सुनिए, 2019 चुनाव जीतने के बाद हिंदुस्तान का कोई भी किसान, राजस्थान का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। खत्म करने लो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का किसान जेल जाए, तो पहले उस अनिल अंबानी चोर को अंदर करो, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी को अंदर करो, फिर हम किसान की बात करेंगे। अब दूसरी बात, और उतनी ही ऐतिहासिक बात, उतना ही धमाका, किसान हमें कहता है राहुल जी देखिए हम प्लानिंग करना चाहते हैं। बिजनेस वाले लोग बिजनेस प्लान बनाते हैं, उनका एक साल का प्लान होता है, पांच साल का प्लान होता पता नहीं, देश की प्लानिंग प्लानिंग कमीशन करता है, किसान की प्लानिंग कोई नहीं करता, किसान को पता नहीं लगता क्या हो रहा है। आंधी तूफान छोड़िए, किसान को यह नहीं पता लगता कि एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, कब बढ़ाई जाएगी, किसान को यह नहीं पता लगता कि भैया कर्जा माफ होगा नहीं होगा, किसान को यह नहीं मालूम बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी बोनस हटा दिया जाता है, मोदी जी ने हटाया। तो राजस्थान के किसान ने हमें बताया, एक काम कीजिए, पहले ही हमें बता दीजिए, जो हिंदुस्तान की सरकार हमारे लिए करेगी पहले बता दीजिए, हमारी मदद होगी, हम प्लानिंग कर पाएंगे। अरे भाई कैसे करें, मैंने पूछा। देखिए पहले रेलवे बजट होता था, आजकल रेलवे बजट नहीं है, आजकल एक बजट होता है, नेशनल बजट। आप एक काम कीजिए, दो फायदे होंगे, आप एक नेशनल बजट बनाइए और नेशनल बजट के साथ उसके एकदम पहले लोकसभा के अंदर एक किसान बजट बनाइए, किसान बजट बनाइए, हिंदुस्तान के किसान का आदर कीजिए, हिंदुस्तान के किसान को बताइए कि तुम बब्बर शेर हो, तुम्हारे बिना देश नहीं चल सकता और तुम्हारी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है, हाथ पकड़ के खड़ी है। देखो किसान की सोच, मैनिफेस्टो में एक लाइन, 2019 में चुनाव जीतते ही दो बजट होंगे, 2019 में दो बजट पेश होंगे, एक नेशनल बजट, दूसरा बजट राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर प्रदेश के किसान का बजट। खत्म। अभी ठहरिए, ताली मत बजाइए। उस बजट में शुरुआत में ही पहले आपको एक नंबर दिया जाएगा, इतने हजार करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसानों के लिए बजट में दिया जाएगा, पहला काम, नंबर होगा बड़ा, पता लग जाएगा कितने रुपए किसानों को दिए जा रहे हैं। दूसरा नंबर, आपकी एमएसपी इतनी बढ़ाई जाएगी, बोनस आपको इतना मिलेगा, आपके जिले में इस प्रकार की फैक्ट्री लगने जा रही है, इस प्रकार का स्टोरेज फैसिलिटी लगने जा रही है, पूरा का पूरा आपको साल के शुरुआत में हर साल सरकार आपकी बता देगी और आपको जो प्लानिंग करनी होगी आप कर पाओगे, कितना आपका कर्जा माफ होने जा रहा है वो पूरा का पूरा शुरुआत में बता देगी। न्याय योजना का फायदा भी मिलेगा भाइयों और बहनों, यह मत सोचिए कि हिंदुस्तान के किसान को न्याय योजना का फायदा नहीं मिलेगा, यह मत सोचिए। जिस भी किसान की 12,000 रुपए प्रति महीना से आमदनी कम है उसके बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए जा रहे हैं डायरेक्ट। अच्छा, मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, सब बैंक अकाउंट उन्होंने खोल दिए, उन्हीं बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा मैं, एक एक करके। महिलाओं की बात, आखिरी बात। अच्छा, जो यहां पुरुष बैठे हैं
माफ करना, गुस्सा मत होना, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, फिर बाद में मत चिल्लाना। न्याय योजना का पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है, 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है। मैं जानता हूं उनकी प्लानिंग अच्छी होती है, वो थोड़ा ध्यान से पैसे का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, उनसे मांग लेना। मुझे बाद में तंग मत करना कि भैया आपने महिलाओं को दे दिया, हमें नहीं दिया, वो आपकी बात है, घर की बात है। तो पहला काम वो होगा, 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल के 72,000 रुपए, 5 साल के 3,60,000 रुपए। दूसरी बात, पार्लियामेंट हाउस में, विधानसभा में कम महिलाएं दिखाई देती हैं, 33% रिजर्वेशन विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में हमारी महिलाओं के लिए। और आखिरी काम, सरकारी नौकरियों में 33% रिजर्वेशन महिलाओं। तो मैं आपको यह बताना चाहता था कि हमारी सरकार आपकी बात सुनेगी, जो आप हमें कहोगे। मैंने तो अभी आपको शुरुआत बताई, न्याय योजना, किसान बजट, ये शुरुआत। मगर आपकी जब सरकार बनेगी दिल्ली में 2019 में, वो आपको अपनी मन की बात नहीं बताएगी। हर 10 दिन 15 दिन हमारी मन की बात, मन की बात, मन ना, वो आपकी मन की बात सुनेगी। किसानों के दिल में जो है, युवाओं के दिल में जो है, महिलाओं के दिल में जो है, छोटे दुकानदारों के दिल में जो दर्द है, उसको सुनेगी और फिर आपकी मन की बात पर सरकार चलेगी, जो आप कहोगे वो होगा और न्याय होगा। अगर हिंदुस्तान के अरबपति कर्जा ना लौटाने पे जेल से बाहर रहेंगे तो किसान बाहर रहेंगे, अगर उनको लाखों करोड़ रुपए दिया जाएगा तो फिर किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को लाखों करोड़ रुपए दिया जाएगा। अन्याय नहीं होगा हिंदुस्तान में, 2 हिंदुस्तान नहीं बनेंगे, 1 हिंदुस्तान होगा, सबका हिंदुस्तान होगा, उसमें न्याय होगा। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, इतनी गर्मी में आप आए, इतना प्यार आपने मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मैं आदरणीय राहुल गांधी से 1 सेकंड के लिए अनुरोध करूंगा कि यहां की जनता के, जो आप मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे यहां के महादेव जी की आपको तस्वीर, और आपने रायका समाज को राजस्थान में पहली बार जो टिकट दिया है उसके लिए हम ये मूर्ति आपको भेंट कर रहे हैं। और सभी जालौर सिरोही के कांग्रेस के लोगों की तरफ से आपको फूल माला। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये राहुल मोदी जी के खिलाफ संघर्ष कामयाब हो और देश के अगले प्रधानमंत्री आप बने। आज 4 बजे सिरोही में रतनजी देवासी का जनसंपर्क है अहिंसा सर्किल से। सिरोही जिले के जो भी कार्यकर्ता यहां आए, 4 बजे अहिंसा सर्कल सिरोही, रतनजी देवासी का